हेलो स्टूडेंट्स, फिजिकल ज्योग्राफी के इस लेक्चर्स में अपन जो इन लेक्चर्स में आप भूकंप के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। स्कूल टाइम में भी आपने पढ़ा है और बड़ा कॉमन टॉपिक है, मगर यहाँ अपन इस लेक्चर्स में और इससे अगले वाले लेक्चर्स में, इस लेक्चर में अपन भूकंप की उत्पत्ति के कारण क्या हैं, भूकंप कितने प्रकार के होते हैं, उन सब के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। और भूकंप की रिकॉर्डिंग क्या होते हैं, सिस्मोग्राफ की रिकॉर्डिंग्स क्या होती हैं, इन सब का इस लेक्चर में विस्तार से अध्ययन करेंगे। पहला आता है पृथ्वी के भूकंप होता क्या है। पृथ्वी के भूपटल पर, धरातल पर जो उत्पन्न तनाव या उसकी सतह पर अचानक मुक्त होने के कारण पृथ्वी की सतह का हिलना या कंपन जो है भूकंप कहलाता है। विज्ञान की जो शाखा है इसे सिस्मोलॉजी कहा जाता है, और जो इसका अध्ययन करते हैं उनमें सिस्मोलॉजिस्ट कहलाते हैं, जो इसके बारे में भूकंपों के बारे विस्तृत अध्ययन करते हैं। जो ये सिस्मोलॉजी है, सिस्मो जो वर्ड है ये ग्रीक शब्द जिसका अर्थ है भूकंप से लिया गया है, और वहीं से इस शब्दावली को इस्तेमाल किया जाता है। जो अपने पहले पढ़ा है इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में पढ़ा है कि पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है वो इनर कोर, आउटर कोर, मेंटल, ये परतों के बारे में पढ़ा है, इनसे बनी हुई है। जो ऊपरी जो और क्रस्ट ऊपरी पार्ट है, जो मेंटल का जो ऊपरी भाग है वो लिथोस्फियर का आता है, स्थल मंडल को अपन डिस्कस करते हैं। लगभग इसकी मोटाई जो है वो 50 किलोमीटर रहती है, और ये जो 50 किलोमीटर की जो मोटाई है लिथोस्फियर की, ये प्लेट्स का निर्माण करते हैं। अपन ने प्लेट टेक्टोनिक में पढ़ा था कि धरातल पर दो प्रकार की प्लेटें पाई जाती हैं, सागरी और महासागरीय प्लेटें, और इन प्लेटों में गतिशीलता होती है, और इन्हीं गतिशीलता इन्हीं प्लेटों के किनारे पर जो है विभिन्न विवर्तन की घटनाएं संपन्न होती हैं, ये अपने देखा। और जब परिभाषा के तौर पर देखते हैं तो पृथ्वी के भूपटल में उत्पन्न तनाव के आकस्मिक मुक्त होने से धरती की सतह के हिलने की घटना भूकंप कहलाती है। जो अर्थ का धरातल है वो एक स्थिर, एक संतुलन की अवस्था में रहता है, और अचानक अगर उस संतुलन में किसी प्रकार का कंपन होता है या किसी प्रकार की घटना घटित होती है तो ये भूकंप की श्रेणी के अंदर आता है, और इस तनाव के कारण हल्का सा कंपन उत्पन्न होता है जो पृथ्वी के व्यापक रूप से उथल पुथल विस्तृत क्षेत्रों में तबाही का भी कभी कभी कारण बन जाता है। ये कि भूकंप का किस मात्रा का भूकंप उस इलाके के अंदर देखने को मिलता है। तो यहाँ कभी कभी दो क्वेश्चन बन जाते हैं कि जहां से भूकंप उत्पन्न होता है आंतरिक भाग से, ये उद्गम केंद्र कहलाता है, फोकस कहलाता है, और पहली बार जहां रिकॉर्ड होता है, जो तरंगे आकर रिकॉर्ड होती हैं वो जो है वो एपिसेंटर कहलाता है। ये दोनों शब्दों को याद रखें, फोकस एंड द एपिसेंटर। और जो ये जो तरंगे उत्पन्न होती हैं और इन तरंगों को मिलाने वाली सब भूकंप रेखाएं कहलाती हैं। ये तीनों शब्दावली जो है वो अलग अलग देखने को मिलती है। नाउ जिस इंस्ट्रूमेंट पे ये रिकॉर्डिंग होती है या भूकंपी तरंगों का जहाँ अंकन होता है उसे सिस्मोग्राफ कहा जाता है, और सिस्मोग्राफ के अंदर जो है जो भूकंप की तरंगे हैं अपन पढ़ेंगे आगे, PSL, और विस्तार से जब पढ़ते हैं P*, S*, PGN, SG, जो अलग अलग इनकी गति है, अलग अलग इनकी विशेषताएं हैं, कोई तरल में कोई कठोर में इनकी गतिशील गति बढ़ती है कम होती जाती है, ये की रिकॉर्डिंग जो है, इन तरंगों की रिकॉर्डिंग जो है सिस्मोग्राफ पर होती है, और उसके आधार पर ही पता लगता है। ना जहाँ तक भूकंपों के वर्गीकरण का सवाल है उसे मुख्यतः हम दो वर्गों में विभाजित करते हैं, एक तो मानव निर्मित और एक प्राकृतिक नेचुरल अर्थक्वेक, एंड दूसरा मैन मेड। मानवीय जो क्रियाएं हैं, ब्लास्ट करता है, विदोहन करता है, माइनिंग एक्टिविटी करता है, बहुत बड़े बांध का निर्माण करता है मानव, तो ये सारी क्रियाएं जो है मानव निर्मित है, कोई एटॉमिक ब्लास्ट वगैरह कंपन देखने को मिलता है। दूसरा प्राकृतिक जो भूकंप है ये मुख्य भूकंप की श्रेणी है, और ये मुख्यतः जो है इसमें टेक्टोनिक एक्टिविटी है, विवर्तनिकी के कारण है, प्लेटों के मूवमेंट्स के कारण है, संतुलन की अवस्था के कारण है, या ज्वालामुखी विस्फोट जब होता है तो कंपन की स्थिति देखने को मिलती है। स्थिति के आधार पर भी हम इसे करते हैं स्थलीय या समुद्री भागों के अंदर आता है, और स्थलीय भागों का भी हम सामान्यतः तो दो वर्गों में करते हैं, उथले और बहुत गहरे भूकंप इस श्रेणी के अंदर रखते हैं। न किसी बड़े भूकंप से पहले या बाद में विभिन्न तीव्रता के कंपन उत्पन्न होते हैं। भूवैज्ञानिकों ने इस परिघटना की व्याख्या करने के लिए अग्र लिखे तीन शब्दों का उपयोग किया, पूर्ववर्ती आघात, मुख्य आघात, पार्श्ववर्ती।
भूकंप का जो आघात जो है, पहले प्रारंभ में हल्का जो आघात मुख्य है वो प्रारंभ है, और मुख्य आघात जो है वो सर्वाधिक होगा, और बाद में जो है उसके इफेक्ट जो बाद में हल्का हल्का जो डिफेक्ट देखने पड़ते हैं, वो इन तीनों कैटेगरी को कैटेगरी करता है। अभी मैंने कहा था भूकंप को जब पढ़ते हैं तो प्राकृतिक और नेचुरल भूकंप की कैटेगरी की लेते हैं। प्राकृतिक जो भूकंप है जो वो विवर्तनीय घटना, मुख्यतः विवर्तनीय घटनाओं के कारण संपन्न होते हैं, क्योंकि ये पृथ्वी के विवर्तनिक गुण से संबंधित होते हैं, और प्राकृतिक रूप से आने वाले भ्रंश भ्रंश या फॉल्ट के साथ होते हैं। भ्रंश भूपटल में हलचल के कारण उत्पन्न होने वाली दरार या टूटन है। ये फॉल्ट एंड फ्रॉट में अपन रॉक्स में पढ़ेंगे, भ्रंशों के प्रकार, मोड़ों के प्रकार वहां पढ़ेंगे। भ्रंश कुछ किलोमीटर से कई हजार किलोमीटर तक लंबे हो सकते हैं। भूवैज्ञानिक कालक्रम के दौरान अधिकांश भ्रंश दोहरे विस्थापन का निर्माण करते हैं। यदि भ्रंश लंबत होते हैं तो भ्रंश को सामान्य भ्रंश कहा जाता है। ये प्रत्येक चट्टान एक दूसरे के विपरीत दिशा में मूव करती है। विलोम भ्रंश में दो किनारे जो है एक दूसरे से टकराते हैं और हल्की प्लेट जो है नीचे मुड़ती है। निम्न कोण या विलोम भ्रंश या थ्रस्ट कहलाता है। दोनों किनारे कभी कभी जो है वो एक दूसरे के समीप से पार्श्व किनारों से गतिशील करते हैं। प्लेटों के संबंध में, प्लेटों की गति का अपन ने पढ़ा था कि प्लेटें विपरीत दिशा में हटती हैं, दो प्लेटें आपस में टकराती हैं, और दो प्लेटें जो हैं एक दूसरे के समीप से गतिशील होती हैं, तो इन्हीं के कारण जो है भूकंपों की उत्पत्ति देखने को मिलती है। तो विवर्तनी के भूकंप को पुनः दो वर्गों में अपन विभाजित करते हैं कि ये आंतरिक प्लेट है या अंतर प्लेट है, कि प्लेटों के किनारे पर संपर्क है या प्लेटों के अंदर जो कोई मूवमेंट हुआ है उसके कारण इनकी उत्पत्ति हुई है। ज्वालामुखी और मैग्मा के होने के हलचल के प्राकृतिक रूप से होने वाले भूकंपों के कारण हो सकता है। इस प्रकार के भूकंप ज्वालामुखी विस्फोट के अग्रिम चेतावनी देते हैं। जब वोल्केनस इफेक्ट करता है तो जो मैग्मा है वो ब्लास्ट के साथ क्रेटर को तोड़ता है, क्रेटर को तोड़ के जो है वो बड़े ब्लास्ट के साथ बाहर निकलता है। ब्लास्ट के साथ जब बाहर निकलता है तो वो कंपन की गतिशीलता को संपन्न देखने को करता है। ये अपन ने कहा था जहाँ से ऊपर उत्पन्न होता है दैट इज अ फोकस, जहाँ रिकॉर्डिंग होती है दैट इज अ एपिसेंटर, जहाँ पर पहली बार सिस्मोग्राफ में रिकॉर्डिंग करते हैं। ये दोनों शब्दों का काफी महत्व रखते हैं। नो मैंने भी डिस्कस किया था कि कोई आणविक विस्फोट हम करते हैं, बांध का निर्माण करते हैं, या हम माइनिंग एक्टिविटी करते हैं, गहरे कुओं का तेल निकालने का, तो इनमें या कोई प्राकृतिक जलाशय का, गुजरात के भूकंप के अंदर एक कारण ये बहुत बड़ा कारण था कि देखने को मिला था। ये सारी की सारी जो घटनाएं हैं मानव निर्मित घटनाएं हैं, इनके कारण भी भूकंप संपन्न होते हैं ना। भूकंप अभी मैंने डिस्कस किया था कि भूकंप उत्पन्न कैसे होते हैं। जब प्लेटें आपस में टकराती हैं, अपन ने कहा था कि भूपटल पटे, और हल्की प्लेट जो है जब टकराती हैं तो हल्की प्लेट जो है नीचे मुड़ती हैं। अपन ने होम्स का सिद्धांत पढ़ा था संवहन धारा, ये संवहन धाराएं जो है ऊपर उठती हैं और इन प्लेटों को गति उत्पन्न करती हैं, और ये प्लेटें जब टकराती हैं जहां पर टकराती हैं तो वहां भ्रंश की स्थिति उत्पन्न होती है। तो एक हिस्सा जो है या तो नीचे बैठ जाता है या भ्रंश का एक भाग जो है ऊपर उठ जाता है, तो उस क्षेत्र के अंदर बड़ी मात्रा में आपको भूकंप देखने को मिलेंगे। ये सागरीय प्लेटों के अंदर भी देखने को, और सुनामी एक बड़ा कारण बन जाता है जब सागरीय प्लेटों के मूवमेंट गतिशील हो, या सागरीय प्लेटें भ्रंश की स्थिति उत्पन्न होती है, प्लेटें मूव करती हैं, तो उसके कारण जो है सुनामी पैदा होती है। अपन ने अब डिस्कस किया था कि थ्रस्ट एक भाग ऊपर उठ जाता है, दूसरा भाग नीचे उठ जाता है, और ये एक फॉल्ट का बन जाता है। आसपास से प्लेटों का मूवमेंट देखने को मिल सकता है ना। जो अर्थक्वेक है इसका मापने का जो स्केल है उसे रिक्टर स्केल कहते हैं। ये रिक्टर स्केल जो है 1 से 9 तक जाता है, 1 से 9 तक। रिक्टर स्केल पैमाने का सन 1945 में कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में कार्यरत वैज्ञानिक चार्ल्स रिक्टर ने किया था और गुटनबर्ग के सहयोग से खोजा था, इसीलिए इसे रिक्टर स्केल कहा जाता है। जब रिक्टर स्केल को, इसके अलावा दूसरा एक स्केल होता है भूकंप को मापने के लिए जिसे मर्केली स्केल भी कहा जाता है, मगर ये सामान्यतः बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। इसे भूकंप की तीव्रता की बजाय ताकत के आधार पर मापते हैं। इसका प्रचलन कम है क्योंकि इसे रिक्टर के मुकाबले कम वैज्ञानिक माना जाता है। तो इन दोनों का, रिक्टर स्केल एंड मर्केली स्केल, को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। नाउ जब हम इसी कैटेगरी में 0 to 1.9 सिर्फ सिस्मोग्राफ पर रिकॉर्ड होता है, 2 से 2.9 में हल्का भूकंप है, 3 से 3.9 में कोई नजदीक से गुजरने आसपास महसूस होता है, 4 से 4.9 में खिड़कियों के शीशे टूट जाते हैं, दीवारों पर टंगी फ्रेम गिरते हैं,
पांच से पांच में फर्नीचर का हिलना होता है, 6 से 6.9 के बीच में इमारतों की नींवें जो दरक जाती हैं, 7 से 7, ये बहुत तीव्रता की कैटेगरी आ जाती है, 7 से 7.9 में इमारतें गिर जाती हैं, ये काफी हानिकारक होता है। 8 के ऊपर तो बहुत बड़ी विपरीत स्थिति, पूरे पूरे ब्रिजेस गिर जाते हैं, और 9 से ऊपर तो तबाही का आलम हमें देखने को मिलता है, ये सुनामी आती है। 7 के बाद की स्थिति, 6.9 के बाद स्थिति काफी भावे भावे होती चली जाती है। नौ, भूकंप की तीव्रता जो है वो मापने, व्यक्तियों, इमारतों, भूमि पर दृष्टिकोण से वाले प्रभावों को व्याप्त तक किया जा सकता है। किसी विशिष्ट क्षेत्र में भूकंप की प्रबलता, भूकंप द्वारा पृथ्वी में होने वाले हलचल की प्रबलता के आधार पर मापने, जिसका निर्धारण जो है जीव जंतुओं, मानव, इमारतें, फर्नीचर, प्राकृतिक परिवेश में आए बदलावों के आधार पर किया जा सकता है। किसी विशिष्ट भूकंप के परिणाम स्वरूप जो है अद्वितीय होने के विपरीत भूकंप की तीव्रता उस स्थान में अधिक केंद्र से दूरी, जो जो ओरिजिन जहाँ से है वहां से कितनी दूरी पर है वो स्थान, ये उस पर भी निर्भर करता है कि कितना बड़ा शॉक जो है वो देखने को मिलेगा। थैंक यू।